अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है कशिफ और आप देख रहे हैं कशिफ AIOU। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA हमारे पास कोर्स है इकबालियात, कोड है 405, सेमेस्टर बहार 2024 की मश्क नंबर एक, मश्क नंबर दो में शेयर करने लगा हूँ। डेट की बात करते हैं तो चार असाइनमेंटें हैं ये नौवे महीने की, 30 आप लोगों की आखिरी डेट है। आज असाइनमेंट नंबर एक असाइनमेंट नंबर दो शेयर करूँगा, इसके बाद बहुत जल्द मश्क नंबर तीन मश्क नंबर चार शेयर करूँगा। हमारे पास इम्तिहानी मश्क नंबर वन है, पहला सवाल मुख्तसर हैं 10, उसके बाद सवाल नंबर दो है, इसमें हमारे पास अलिफ बे जीम दाल है, इसके आपको जवाब मिलेंगे यूनिट एक था 5 में। उसके बाद इम्तिहानी मश्क नंबर टू है, मुख्तसर सवाल है 10, और उसके बाद सवाल नंबर दो में अलिफ बे जीम हमारे पास 3 जूज हैं, इसके आपको जवाब मिलेंगे यूनिट 6 था 9 में। ये तो हो गया हमारी दो असाइनमेंट। अभी हम चलते हैं अपनी सोल्फ असाइनमेंट की तरफ। इसमें हमारे पास पहला सवाल था मुख्तसर वाला, इनके जवाब इनके सामने लिखे हुए हैं। इसमें पहला सवाल है अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम इमाम बीबी, अल्लामा इकबाल ने PhD किस यूनिवर्सिटी से हासिल की, म्यूनिख यूनिवर्सिटी। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने जर्मनी में किस जगह क़याम किया, हेडलबर्ग में। इनके ये जवाब बल्कि इधर मैं सामने कर देता हूँ, ये लिखे हुए 3 मुसल्लत उम्मस 1905 में, सराय अमीर मदरसा इस्लामियत व, इस तरह आपने इनको लिख लेना है मुख्तसर। इधर तो इन्होंने एक एक दो दो तीन तीन अल्फाज लिखे हुए, आपने इसको पूरा लाइन करके लिखना है कि अल्लामा इकबाल ने फलां यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम इमाम बीबी था। आपने इस तरह इसको पूरी लाइन में करके लिखना है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर दो है, सवाल नंबर दो में हमारे पास मुद्रा ज़ेल अनवात में से किसी दो पर नोट लिखे, 3 इन्होंने दिए हुए हैं इधर, और एक मिनट ऊपर देख भी लेते हैं कि दो पर बोला या फिर इसने मिस्टेक क्लिक कर दिया इधर। जी हाँ, किसी दो पर ही नोट लिखना है, किसी दो पर नोट लिखें। अच्छा, तो उसमें इसने पहला लिखा है ज़रबे कलीम का तारुफ, उसके बाद बे में इसने लिखा है इकबाल की मुख्तसर हालात ज़िंदगी। इन्होंने सवाल इधर काफ़ी शॉर्ट में लिखे हुए, तो आपने किताब से कुछ ना कुछ इसको बड़ा कर लेना है इन सवालात को। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर तीन है फ़िक्रे इकबाल की तख्लीकी दौर 1905 था 1908 को मुफस्सिल बयान करें, ने इस दौर में इकबाल की तालीमात पर भी सैर हासिल तबसरा करें, सवाल नंबर 3। अदबी व फिक्री तरक्की, रूहानी बेदारी, समाजी और सियासी शऊर, तालीमात और नज़रियात, मेरास और असर, सवाल नंबर 3 है। देखो इन्होंने बड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखे हुए इधर, इसलिए कह रहा हूँ अगर किताब से आपको जवाब थोड़ा सा आपने शामिल कर लेना है। आगे सवाल नंबर 4 है हमारे पास, खुतबा आला आबाद के अहम निकात ज़ेर बहस लाए, इस्लाम एक जिंदा कुव्वत, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुसलमान एक कौम है, मुतहदा कौमियत की तरतीब, हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें, मुस्लिम रियासत की ज़रूरत, इलाहुदा वतन का मुतालबा, अलहदा, इन्होंने कुछ और लिखा हुआ इधर। सवाल नंबर 4 है हमारा मश्क नंबर 1 का। आगे सवाल नंबर 5 है हमारा मश्क नंबर 1 का आखिरी सवाल है, ईरान में अल्लामा इकबाल की मकबूलियत पर मज़मून तहरीर करें, ईरान।
अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी असाइनमेंट की तरफ, जिसमें पहला सवाल मुख्तसर था, उसमें भी 10 मुख्तसर थे। इसका भी आपने ऐसे करना कि पूरी लाइन में मुख्तसर का जवाब लिखना है आपने। बांगेदार में, फिजर राम में, अलामा इकबाल ज़िंदगी में, दो बार भोपाल तशरीफ़ लाए, 1922 में, 1927 में इकबाल ने, तीन मौलाना रूम की, 1932 में। ये हमारी सारे मुख्तसर के जवाब हैं जो कि आपने एक लाइन में करके लिखने हैं सवाल के साथ। आगे हमारे पास सवाल नंबर 2 है, मंदरजिल अनवात में से किसी 2 पर नोट लिखें। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है नज़म तुलवे इस्लाम का तारुफ, बे है नज़म तस्वीर दर्द का तारुफ, आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है इकबाल की उर्दू शायरी की खसूसियात तहरीर करें, रिफत तखील, क्लासिकियत और रोमानियत, सोजो गुदाज, मौसकियत, रमजियत। आगे सवाल नंबर 4 है अल्लामा इकबाल की फ़ारसी शायरी की खसूसियात तहरीर करें, नीचे फ़ारसी का शेर लिखा हुआ है, इसके बाद आखिरी सवाल है सवाल नंबर 5 पे हमें मशरिक के दिपाचे के अहम निकात तहरीर करें, सबब तालीफ, क्वेश्चन नंबर 5, इंतबाब, सबब तालीफ। ये भी सवाल काफ़ी शॉर्ट है, आपने थोड़ा किताब से इसमें शामिल कर लेना है। और ये इकबालियात कोड 405, मशक नंबर 1, मशक नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो इतनी थी, अल्लाह हाफिज़।